हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नर्सिंग गाइडेंस। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ एनालिसिस पर वीडियो जो है बनाया हुआ है, और मैंने बहुत सारे लाइव सेशन में बोला हुआ था कि मैं जो है जीएनएम का भी कट ऑफ पर वीडियो बनाऊंगी कि कितने मार्क्स पर जो है जीएनएम कॉलेज मिलते हैं, कितने मार्क्स पर जो है एएनएम कॉलेज मिलते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारियां दे देती हूँ, ठीक है, कि झारखंड में जो आपका एएनएम जीएनएम के लिए एग्जाम होता है वो आपका एक ही सिंगल एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आपको एएनएम और जीएनएम में सीट्स मिलती है, ठीक है। अगर आपका रैंक बहुत अच्छा होता है तो उस कंडीशन में आपको जीएनएम कॉलेज मिलती है। एएनएम कॉलेज आपको थोड़े अगर लोअर रैंक है तो उस कंडीशन में आपको जो है एएनएम कॉलेज अलॉट की जाती है, ठीक है। झारखंड में जो है जीएनएम के लिए ओनली 120 सीट्स है, ठीक है, जिसमें से आपका रिम्स रांची में सीट से, आपका एमजीएम जमशेदपुर में सीट से, और पीएमसीएच जिसका नाम अब एसएनएम एमसीएच हो चुका है, तो ये तीनों कॉलेज में ही आपका बस जीएनएम के लिए गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की ही बात कर रही हूँ। तो उसके पहले और एक बात बताना चाहूंगी कि आपका जो जीएनएम का और एएनएम के लिए जो कम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें आपको 150 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होता है। सारे ही सब्जेक्ट में आपका 50-50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है, और टोटल आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आता है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि कौन से कैटेगरी को कितने मार्क्स पर जो है कॉलेज मिले थे। मैं फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आया था उस पर मैंने एनालिसिस की है, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट काउंसलिंग की बातें यहाँ पर बता रही हूँ। तो सबसे पहला जो रैंक था, ठीक है, वो आपका ओबीसी 2 का था, जिस स्टूडेंट का मार्क्स था 104, ठीक है। इतने मार्क्स पर जो है पहला स्टूडेंट जिसका सीएमएल रैंक 1 था उसको कॉलेज जो है जीएनएम कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट था, ठीक है, वो आपको ओबीसी 2 का था, जिसने आपका 103.25 मार्क्स जो है लाया था, ठीक है। तीसरा आपका जनरल कैंडिडेट, तो जनरल कैंडिडेट जो पहला था, ठीक है, उसका आपका 97 मार्क्स पर जो है कॉलेज मिला था। नेक्स्ट आपका है एससी कैटेगरी, ठीक है, जिनको आपका 61 मार्क्स पर जो है कॉलेज मिला था। और आपका लास्ट है एसटी कैटेगरी, जिनको आपका 76.50 मार्क्स पर जो है कॉलेज मिला था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हुआ आपका फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, सारे कैटेगरी का जिनको जो है कॉलेज मिला है। अब हम लोग बात करेंगे कि लास्ट कितने मार्क्स तक जो है कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीएनएम की, ठीक है, कि जीएनएम में आपका कितने कितने मार्क्स तक किस कैटेगरी को लास्ट सीट जो है अलॉट हुआ, ठीक है। और ये एनालिसिस जो है बिलीव कीजिए आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मुझे भी काफी टाइम लगा है ये एनालिसिस जो है करने में, ठीक है। एक एक रैंक को निकालने में काफी समय लगता है। तो अगर आपको मेरा एफर्ट दिखे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीएनएम कॉलेज की, ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट, ठीक है, जिसको आपका सबसे जो फर्स्ट जो स्टूडेंट है जिनको जीएनएम कॉलेज मिला था उन लोगों के तो मार्क्स मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है, फिर भी मैं रिपीट करूंगी यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो है ओबीसी 2, ठीक है, जिनको पहला स्टूडेंट जिसको जीएनएम कॉलेज मिला वो 104 मार्क्स पे मिला, और लास्ट स्टूडेंट, ठीक है, जिनको जीएनएम कॉलेज मिला उनको 34 मार्क्स पे मिला था, ठीक है। और देखिए, लोअर मार्क्स को आप लोग उतना नोटिस मत कीजिए, क्योंकि लोअर जो मार्क्स होता है जिसपे स्टूडेंट को कॉलेज मिलते हैं वो कैंडिडेट जो है वो आपका पीएच कैंडिडेट भी हो सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी हो सकते हैं, या फिर वो कैंडिडेट जो है वो प्रिमिटिव टाइप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग ना ही मान के चले तो आपके लिए बेटर होगा। जो हाईएस्ट मार्क्स है जो पहला स्टूडेंट को मिला है उसको आप लोग एज ए अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो कैटेगरी है वो है आपका ओबीसी 1। तो ओबीसी 1 में पहला स्टूडेंट जिसको जो है जीएनएम कॉलेज मिला था वो मार्क्स था 103.25, और लास्ट जिस स्टूडेंट को मिला उसका मार्क्स था 63, ठीक है। बात अगर करें जनरल कैंडिडेट की, ठीक है, तो फर्स्ट स्टूडेंट जिसको जीएनएम कॉलेज मिला उनका मार्क्स था 97, और लास्ट स्टूडेंट का मार्क्स था 30, ठीक है। और लास्ट कैंडिडेट का मार्क्स इसलिए कम था क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एससी कैंडिडेट की।
तो पहला कैंडिडेट को आपका 61 मार्क्स पर जेएनएम कॉलेज मिला था और लास्ट आपका 49 मार्क्स पे जेएनएम कॉलेज मिला था, ठीक है। लास्ट है आपका एसटी कैंडिडेट, तो एसटी कैंडिडेट में पहला कैंडिडेट जिसको कॉलेज मिला था जेएनएम वो था 76.50 और लास्ट स्टूडेंट को आपका 40 मार्क्स पे जो है कॉलेज मिला था, ठीक है। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, एएनएम की जो मैंने एनालिसिस निकाली है वो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेगा, ठीक है। तो एएनएम की अगर बात करेंगे तो एएनएम जिस कैंडिडेट को मीन्स आपका जनरल में तो सबसे लोएस्ट आपका 30 मार्क्स पे ही मिला है जो कि जेएनएम कॉलेज था, ठीक है। तो उससे ऊपर ही होंगे जिन लोगों को एएनएम कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग ओबीसी 2 की, तो जो लोएस्ट मार्क्स था जिस पर आपका लास्ट स्टूडेंट को एएनएम कॉलेज अलॉट हुआ है वो मार्क्स था आपका ओनली 26, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है ओबीसी 1, तो उसमें आपका जिस स्टूडेंट को लास्ट एएनएम कॉलेज मिले, ठीक है, वो स्टूडेंट का मार्क्स था ओनली 6 मार्क्स। जी हाँ, ओनली 6 मार्क्स पर भी जो है एएनएम कॉलेज अलॉट हुए हैं लास्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एससी कैटेगरी की अगर आप लोग बात करें तो लास्ट स्टूडेंट जिसको आपका एएनएम कॉलेज मिला है वो स्टूडेंट का मार्क्स था ओनली 20 मार्क्स, ठीक है। और लास्ट जो है आपका एसटी कैटेगरी, उसके मार्क्स सुनकर तो आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे कि ओनली 2 मार्क्स पर, ठीक है, एएनएम कॉलेज अलॉट हुए हैं एसटी कैटेगरी को लास्ट ईयर, ठीक है। तो 2 मार्क्स जो मिले हैं तो वो स्टूडेंट आपका या तो प्रिमिटिव टाइप में था, ठीक है, या फिर आपका पीएच कैंडिडेट था, ठीक है, तभी इतना लोएस्ट मार्क्स पर जो है एएनएम कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स भी काम कर जाते हैं अगर लोएस्ट मार्क्स पे किसी को मिला हुआ होता है तो, ठीक है। तो आपको एक जो है रफली आपको आइडिया जो है मिल ही गया होगा, ठीक है, किस तरह के मार्क्स लाने पर किस तरह के जो है कॉलेज अलॉट होते हैं। जेएनएम के लिए आपको थोड़े हायर मार्क्स लाने होते हैं और एएनएम जो है अगर आपका मार्क्स मिनिमम है तो उस कंडीशन में आपको एएनएम कॉलेज तो इजीली अलॉट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग जो है अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, और एक टारगेट सेट कीजिए। और हाँ, मैं जो बीएससी नर्सिंग का मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर भी मेरा बोला हुआ है कि आप लोग कभी भी लोएस्ट मार्क्स को देख करके टारगेट फिक्स्ड मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा चेंज होते रहता है, ठीक है। बट आपका जो हाईएस्ट मार्क्स है, ठीक है, तो उसको देख करके आप लोग अपना टारगेट सेट कीजिए। मीन्स जो पहला स्टूडेंट को जो जेएनएम कॉलेज मिला है उसको आप लोग टारगेट रखिए, और जब भी टारगेट सेट कीजिए तो उससे 5 मार्क्स जो है ज़्यादा करके ही आप उसको अपना टारगेट में फिक्स करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा कट ऑफ से, ठीक है। तो बस इसी तरह मेरे चैनल को प्यार दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे जो है मिस ना हो। मिलते हैं ऐसे ही अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।